सोच से तो गाने वाने लिखे हैं। आपने किसे सोच से गाने लिखे किसे के थे? अपनी बीती लिखती क्या? नहीं ये अपनी बीती तो नहीं है बसरते क्या है कि भोजपुरी आजकल जो गाने आ रहे हैं कहीं भी देखो तो चोली है ये है मतलब दुनिया भर के मतलब बकवास आ रहे हैं और मतलब हर शब्दों में जो शब्दों में मिठास है मिठास नहीं होता है केवल एक वो क्या कहते हैं कि कहीं जोली है ढोड़ी है इस तरह के वर्ड यूज करते हैं तो हम लोग उससे अच्छे घर के पढ़े लिखे सब समाज हैं तो वो गाने हम लोग नहीं सुन सकते हैं ऐसे थिएटर में रिलीज़ भी होते हैं जहां हम लोग दे जाके देख भी नहीं सकते हैं। तो इसके लिए कि हम अच्छी पिक्चर बनाएंगे तभी हम अच्छी थिएटर में रिलीज करेंगे जब अच्छी थिएटर में रिलीज़ करेंगे तो तभी हमारे जो सब हैं पढ़े लिखे लोग हैं चाहे स्टूडेंट हैं तो वो जाके वहाँ देख सकेंगे तो लगता है ना कि आपको भोजपुरी में बहुत अच्छी वो तो जब जो अब लास्ट स्टेज से लोग जो नौटंकी होता है वहाँ से लोग अगर आएंगे और पिक्चर करेंगे जो पढ़े लिखे नहीं हैं पंद्रह सौ पे हज़ार रुपये काम करते थे आज वो बढ़ के कहाँ पहुँच गए हैं मतलब वो चीज़ अगर लाएंगे तो समाज कैसा होगा उसके नाम पे भोजपुरी को तुलना नहीं किया जा सकता भोजपुरी केवल नौटंकी नहीं होती है भोजपुरी एक भाषा है भाषा बहुत मीठी भाषा है और उससे सबको जो लोग भोजपुरी जानते हैं जो लोग भोजपुरी पढ़ते हैं भोजपुरी के लोग आज आई एस हैं क्या नहीं है आज लेकिन क्या वो लोग नौटंकी से हैं कतई नहीं है तो वो चीज़ आज लोग कह रहे हैं कि भोजपुरी का समाज यही है तो ये चीज़ हट के बहुत दुख होता है तो इसके लिए हम लोग साफ सुथरा अभी हमारी एक पिक्चर रिलीज होने वाली है अक्टूबर न्यूयर के आसपास में भैल तोरा से प्यार वो के टोटल मतलब पारिवारिक पिक्चर है, है सामाजिक है और क्या मतलब हम ये कह सकते हैं कि खूबसूरत फिल्म है जिसमें आपको जो अपशब्द गाने आ रहे हैं वैसा एक भी गाना नहीं है